उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा ने बनाया नया इतिहास। दोनों ने अपने मिलकर हाथी और साइकिल का चुनाव चिन्ह को बदला। अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती ने मिलकर एक लोगो सर्कुलेट करा और वो आज इतना तेजी से वायरल हो गया है कि देखते देखते हजारों करोड़ों लोगों की मोबाइल में पहुंच गया है। और वो लोगो है साइकिल और बसपा का, दोनों का सिंबल, जिसको नाम दिया है साथी का। और ये साथी आया है समाजवादी पार्टी से सा और हा से हाथी का निशान आगे लगा दिया गया है। ये डिजाइन और लोगो इतना आकर्षित है कि लोगों को देखते देखते लोगों ने अपने मोबाइल्स की डीपी फेसबुक पे लोगो बनाना शुरू कर दिया है और इतना पसंद किया जा रहा है कि सपा और बसपा का मजबूत गठबंधन लोगों के मोबाइल तक दिखाई देने लगा है। इस लोगो का खास आकर्षण ये है कि साइकिल से एस लिया है, सा लिया है, और हाथी की सूंड को इसके अंदर लगाकर दोनों का लोगो बहुत आकर्षित तरीके से देखने में नजर आता है। और इस लोगो का सिंबल का आकर्षण यह है कि इसमें दोनों पार्टियों के चुनाव चिन्हों के निशानों को तो दिया ही है, लेकिन साथ साथ यहाँ के नेताओं के भी इसमें लोगो दिए हैं। इस लोगो के अंदर, इस सिंबल के अंदर खास आकर्षण यह है कि इसके अंदर दोनों पार्टियों के नेताओं की तस्वीरें व उन पार्टियों को संस्थापकों के फोटो भी साथ में दिए गए हैं। एक तरफ साइकिल का निशान समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और राम मनोहर लोहिया की तस्वीर है, तो दूसरी तरफ हाथी के निशान बीएसपी के सिंबल के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का फोटो, मान्यवर काशीराम का फोटो, बहन कुमारी मायावती का फोटो भी देखने में नजर आता है। और इसमें विशेषता यह है कि साइकिल से सा लिया है और हाथी का थी लिया है, बराबर सपा बसपा ऐसे ये सब मिलके बना है साथी। और ये है इतना वायरल हो रहा है कि जिसके भी हाथ लगता है वो इसको तुरंत अपने मोबाइल की डीपी बना लेता है। वहीं इस डिजाइन को बनाने वाले डिजाइनरों की भी अखिलेश यादव ने ट्वीट करके तारीफ करी है। और वहीं उन्होंने ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, मायावती जी ने अपने जीवन के बहुत अनमोल पल दिए हैं और उन्होंने सभी शोषित वंचित समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। उन्होंने भाजपा को भी चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा ने सिर्फ शोषण किया है समाज का, लोगों का, ना नौकरी देने के वादे के नाम पे लोगों को ठगा करा है। 2014 में उन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए चाय वाला बन गए और अब वो चौकीदार बन गए हैं। तो जब देश पूछता है कि किसानों को क्या हुआ, काले धन की वापसी का क्या हुआ, तो उनको कहते हैं मैं तो चौकीदार हूँ। और उन्होंने कहा कि अब उनका सभी गुरूर सपा और बसपा का मजबूत गठबंधन तोड़ेगा। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सभी खबरें पहुंच सके आप पे सबसे पहले।